खबर पाली से। पाली राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे होने पर सांसद बद्री राम जाखड़ पाली विधानसभा प्रत्याशी महावीर सुकरलाई, पूर्व सभापति केवल चंद गुलेचा, नगर अध्यक्ष प्रकाश साकला, पूर्व जिला अध्यक्ष अजीत दर्द सहित कई लोगों ने एक एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में विकास के 4 चांद लगाए हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था में नवाचार करते हुए आम व्यक्ति को चिकित्सा मिले उसके लिए निःशुल्क चिकित्सा योजना शुरू की गई है। उसे हर गरीब व्यक्ति को समय पर इलाज व दवा मिल रही है। साथ ही पशुओं के लिए भी कई प्रकार की योजना की शुरुआत की गई है। जो भी बांध पूर्ण भरी योजना के लिए भी मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। साथ ही झाखड़ ने कहा कि अब शीघ्र ही जोधपुर से पेयजल के लिए पानी पाली पहुंचेगा, उसके लिए भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। झाखड़ ने भारत पाक युद्ध 1971 की 50वीं सालगिरह पर शहीदों को याद करते हुए उनके बलिदान को याद किया। महावीर सिंह सुकरलाई व केवल चंद गुलेच्छा ने कहा कि गहलोत ने पाली के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है। पाली में शीघ्र ही नर्सिंग कॉलेज खुलने जा रहे हैं, सहित कई प्रकार की सौगातें पाली को दी जाएंगी। सभी मैं बताना चाहता हूं, जल प्रबंधन के लिए एक ऐतिहासिक कामयाब किया गहलोत साहब ने, जो आज जवाई बांध से हमारी पाली की समस्या है पानी की, उसमें 100 करोड़ रुपया स्वीकृत किया और 50 लाख रुपया दे दिया। और बहुत लंबी चौड़ी योजना है, जितनी बतावा जितनी कम है। 50 करोड़ रुपया तो भरने के लिए दे दिया है और 56 गांवों को जोड़ेंगे। और ऐतिहासिक काम है अशोक गहलोत जी का, जो को आने वाले समय में गांवों को जोड़ने का काम करेंगे। और मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, पेयजल से हमने आज के दिन अभी स्वीकृति अपना हमारे बातचीत हो गई है, जोधपुर से पानी आपके लेके आएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और आज शिक्षा के विभाग को मैं बताना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग में बहुत जबरदस्त काम अशोक गहलोत जी ने किया है। और वो काम किया है विद्यालय कर्मों ने, 5 विद्यालय कर्मोन्नत किया, उसका 100 करोड़ की नहीं, कॉलेज 100 करोड़ की लागत से बहुत बढ़ेगा, 5 कॉलेज के विद्यालय। और शिक्षा के बारे में तो स्कूल कर्मोन्नत बहुत ही है, अनाप शनाप जो भी काम है, कह रहे 6 लाख उपयोगी की क्या है मदरसा को 6 लाख रुपया दिया है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, विजय दिवस के ऊपर हमारे देश के जवानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के दिन 90,000 पाकिस्तानी जवानों को सरेंडर किया था और हमारे भारत के जवान जबरदस्त जवाब के साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश का 2 टुकड़ा कर दिया। मैं इसलिए सबसे ज़्यादा जवानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, भारतवासियों को आज के दिन धन्यवाद देना चाहता हूँ सबको। और हमारे मुख्यमंत्री जी का कल 3रा साल होने जा रहा है और मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किया है उसके बारे में आप लोगों को रूबरू होने का हमारे आपको बुलाया था। और हम हमारी सरकार का जो भी काम है मैं आपको बताने के लिए आपका माध्यम से लोगों के सामने जाएगा और लोगों को लगेगा कि जो पत्रकार हैं वो लोग सबसे ज़्यादा उजागर कर सकता है, इसलिए मैं आपको सबको हमारी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं पहला सबसे जरूरत पड़ती है दवाएं की, मैं इनको की जान बच सकती है,
जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने 595 दवाएं फ्री की थी और दो मुख्यमंत्री दवाई योजना 25 लाख लोगों को फायदा मिला था। तीसरा हमारे 75 से 100 पहले 75 था, अभी 100 बेड हॉस्पिटल बना दिया। चौथा हमारा 12 ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया और 5 आपके सामने है 104 एम्बुलेंस दे दी बच्चों के लिए। और छठा है हम लोगों ने आप लोगों ने सबने सहायता मिलकर जो ऑक्सीजन मशीना दी है, नहीं ऑक्सीजन प्लांट दिया है, प्लांट ने मशीना 1100